आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कंप्यूटर बाबा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान जी पर दिए बयान पर हमला बोला और कहा संत समाज योगी से खासा नाराज है, योगी को अपने कहे पर माफी मांगना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार कंप्यूटर बाबा के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा था कि हनुमान जी दलित थे, उसके बाद हनुमान जी पर बयान देने वालों की होड़ की लग गई। कोई हनुमान जी को दलित तो कोई आदिवासी बता रहा है। आदित्यनाथ के इस बयान पर संतों ने भी नाराजगी जताई। अब कंप्यूटर बाबा ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ संतों से माफी मांगे। हनुमान जी पर दिया अभिवादित बयान थमने का नाम ले लिया। राय समय हमारे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर बाबा, जिनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ माफी मांगे। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर बाबा जी से, क्या है मामला? देखिएगा, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से हरकत की है, गलत टिप्पणी की है, हमारे देवी देवताओं को नहीं छोड़ा उन्होंने, इसलिए हम लोग बेहद दुखी हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनके मंत्रियों से कहना चाहूँगा, अनर्गल बात और जो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी ना करें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। संत समाज बेहद दुखी हैं और उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी बात वापस लें और क्षमा मांगें। आप हमारे हनुमान जी महाराज से माफ़ी मांगें, सनातन धर्म से माफ़ी मांगे योगी राज जी, और नहीं तो तुम्हारे मंत्री और आपके विरोध में संत समाज सड़कों पर उतरेगा, न्यायालय की शरण में जाएगा, और जिस हद तक आप सोच नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा संत समाज आपका काला मुंह करेंगे। नर्मदा मसले पर भी आपने आवाज़ उठाया था। नर्मदा मसले में मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी और अभी भी हमारी तय है कि निश्चित नर्मदा जो है बचेगी। हमें भरोसा हो गया कमलनाथ सरकार में, नर्मदा भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी और मठ मंदिर भी बचेगा। कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री जैसे हैं, उन्होंने अगर ऑफर करते हैं कि कोई मंत्री बनाते हैं आपको, तो क्या आपको स्वीकार होगा? अरे क्यों भाई, साधु संतों को मंत्री बनाएंगे तो साधु संत बेहद खुश होंगे। अब विचार करेंगे साधु संत, उस पर टिप्पणी करेंगे बाद में, पर कोई को मंत्री बनाएंगे किसी साधु संतों को तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म की सरकार में साधु संत जाने को तैयार है, परंतु अभी जब उनका ऑफर आएगा तो साधु समाज विचार करेगा, फिर निर्णय करेगा। धन्यवाद। तो साधु समाज जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उससे नाराज है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगे, संत समाज से माफ़ी मांगे। अगर कमलनाथ सरकार कंप्यूटर बाबा को कोई मंत्री पद का दर्जा देती है तो वो भी स्वीकार होगा, संतों के राय ली जाएगी और स्वीकार किया जाएगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि भगवान को भी जाति में क्यों बांटा जा रहा है, भगवान को जाति में बांटना धर्म का अपमान है। कंप्यूटर बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि अयोध्या में मंदिर कब बनेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री के 4.5 साल बीत गए हैं, अब मंदिर निर्माण की तिथि तय करें। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भरोसा जताया है और कहा है कि कांग्रेस पर संतों को भरोसा है और कांग्रेस संतों के पक्ष में काम करेगी। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अगर संत चाहेंगे तो वो फिर मंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।